ओम शांति। आज की तारीख है 11/3/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकतू कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है। प्रश्न है, संगम युग की विशेषताएं कौन सी है जो सारे कल्प में नहीं हो सकती है? उत्तर है, संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। यही समय है बाप से बच्चों से मिलने का और वर्षा लेने का। बाप सभी आत्माओं के लिए इस समय ही ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते हैं और संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वे भी निकल आते हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1, बाप से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की राजाई लेनी है। नंबर 2 है, सबकी याद भुलाकर, और जो लोग भी हैं देहधारी सबकी याद भुलाकर एक बाप को यानी सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु के रूप से याद करना है। वरदान शिव पिता का रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्म अभिमानी रहना। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं। दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से ही होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई? जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतई है। स्लोगन है, जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। 6, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।